है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः सिद्धेभ्यः अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की समस्त आचार्य संघ की जब आंखों की बीमारी होती है उस समय बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है। उस समय क्या अच्छी, आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया जाता है, आंखें आती है अथवा उसकी शल्य चिकित्सा करते हैं उस समय वह आँखों को बंद कर दिया जाता है अथवा एक आंख जिसकी चिकित्सा हुई है उसके ऊपर पट्टी बांध दे देते हैं। लेकिन उस पट्टी की क्या विशेषता है आपके सामने रख रहा हूँ। सफेद पट्टी नहीं, नीली पट्टी नहीं, लाल पट्टी नहीं, और इन वर्णों के सम्मिश्रण की पट्टियां भी नहीं, किंतु उस समय हरी पट्टी लगाई जाती है। हरी पट्टी लगाई जाती है, क्या इसकी विशेषता है? आँखों में जो विकृति हुई है आई है उसके लिए तो हम पट्टी बांध रहे हैं, कोई भी पट्टी बांध दो। आँखों के लिए बंधन है, पैरों के लिए मर्दन है और पेट के लिए लंघन बताया है, और इसके उल्लंघन करेंगे तो आपके रोग बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रोग। रोग बढ़ाना चाहो क्या कम करना चाहो? कम करना चाहते बहुत, लेकिन ये ध्यान तो रखना चाहिए जिसके द्वारा विकृति बढ़ती है उन वस्तुओं से हमें बचाना है ना आंखों को। तो जब हरी पट्टी बांधी जाती है तो आंखों को आराम मिलता है ना? अब जब वह ठीक हो जाती है फिर इसके उपरांत उसके लिए और कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको निकाल दिया जाता है। लोगों को जब विशेष रूप से ऊब जाते हैं तो चलो कहाँ चलो, कश्मीर चलो, तो हर एक व्यक्ति कश्मीर तो जा नहीं सकता। कश्मीर में क्या विशेषता है? तो विशेषता यह है चारों तरफ वहाँ पर हरियाली, बाग बगीचा, फूल आदि विकसित हुए हैं, सुगंधित सुगंधी को बांट रहे हैं,
उसके कारण आपके आँखों में जो वेदना है, गर्मी है, वो शांत हो जाती है। तो यह हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता, कोई वादा नहीं, किंतु आप हरा जो है ग्लास लगा लो, ग्लास को तो पैदा नहीं, ग्लास में ने वह कांच लगा दो तो इसी में कश्मीर आ जाएगा। हाँ, मेले में आ जाते, वो लाल ज्यादा लगाते, हरे नहीं लगाते। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी दृष्टि में कश्मीर को बसा सकते हो। अब कश्मीर समस्या इससे समाप्त हो जाएगी। चल रही ना आंदोलन भी। हाँ, उसके लिए हम अपनी दृष्टि में हरापन लाए तो हरा, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। हाँ, तो कश्मीर एक प्रकार से भारत का स्वर्ग माना जाता है। किंतु जब हम कषाय हमारी पनपती है तो वह स्वर्ग के स्थान पर नरक बन जाता है। हमारी दृष्टि में करुणा, अनुकंपा, दूसरे के प्रति वात्सल्य और अनेक गुण आ जाते हैं तो अपने आप ही चाहे कश्मीर भी वहाँ पर नरक बन जाएगा। इसलिए कहीं भी आप जाइए, अपने परिणामों को शांत रखिए। अपने परिणामों में हरियाली लाइए ताकि उससे शांति मिल सके, उससे हमारे क्रोध में कमी आ सके, हमारी तामसिकता में बारे में कमी आ सके। हम जितनी शांति के साथ रहेंगे परिणामों से, उतने ही चारों तरफ एक प्रकार से खुशबू और महक सब लोगों के लिए, ये खुशबू महक और वर्ण किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक व्यक्ति उपयोग कर ले और अड़ोस पड़ोस के लिए भी उसका लाभ, ऐसा तो नहीं कर सकते भैया हमने ये तरफ खरीदा है, हमने लगाया है, आप नाक बंद कर दो। उससे नाक बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी लाभ ले लेता है और हम भी लाभ ले देते हैं। जितने व्यक्ति लाभ ले ले उतने व्यक्ति के लिए वो खुशबू मिलती रहती है। इसलिए सेठ साहूकारों से हमारा कहना है, आपकी ही संपदा नहीं है, अड़ोस पड़ोस के लिए भी थोड़े से उसका वितरण किया करो। संग्रह करना संग्रहणी बीमारी का प्रतीक है। आप संग्रहणी गृहिणी रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तो वितरण करिए और सबके लिए कश्मीर की व्यवस्था करिए। नहीं तो लाल लाल आंखें दिखाएंगे तो क्या होता बताओ। हम जब आते हैं चौपाट आ जाता है, तिगड्ढा आ जाता है, यहाँ रास्ता बदल जाता है, वहाँ पर की व्यवस्था की जाती है। हरी झंडी है तो हरी वहाँ जाइए जाइए जाइए, और लाल लट्टू वहाँ पर लगे तो ठहरिए ठहरिए, रुकिए रुकिए,
भयानक दशा आएगी। सुन रहे हैं आप लोग, कौन से हरे हरे कानों से क्या लाल कानों से? हरे कानों से बहुत अच्छा है। आप लोग आज हरियाली के बारे में सुन ली और कश्मीर के बारे में सुन ली और आँखों के लिए पट्टी के बारे में भी हरियाली सुन ली है। इसी प्रकार हमें चारों तरफ अपने जहाँ रहते हैं वहाँ पर इस प्रकार की हरियाली रखो तो वहाँ एक प्रकार से आरोग्य का और वैराग्य का दोनों का ही हेतु बन जाए। अहिंसा परमो धर्म की।